हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शाहिना फूड विद मेरा की वॉइस। तो आज है संडे, संडे यानी फन डे। तो आज मैं कुछ स्पेशल करने वाली हूँ और आप लोगों को बहुत कुछ दिखाऊंगी। जैसे कि अभी क्यों बताऊंगी, मैं अभी नहीं बताऊंगी, आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तब कि पता नहीं क्या बोल रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग अभी जाएंगे छत के ऊपर। वहाँ से मैं मतलब हमारा वहाँ पर एक टेरेस गार्डन है जहाँ मम्मी ने बहुत कुछ उगा के रखा है, बहुत सारी हर्ब्स वगैरह। तो अभी चल के आपको दिखाती हूँ मैं, और वहाँ से मैं कुछ सामान भी तोड़ूँगी और उसी सामान से मैं कुछ रेसिपीज बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो फाइनली मैं टेरेस में पहुँच गई और चलिए अभी सामान इकट्ठा करते। यहाँ मैं करी पत्ता तोड़ रही थी, बड़ी एक्साइटेड थी मैं यहाँ। और उसके बाद ये कुछ पुदीने के पत्ते भी तोड़े जिससे मैं चटनी बनाऊँगी। यहाँ पर बटरफ्लाई पी फ्लावर भी हुआ था, बहुत सुंदर लगता है ये फूल, इसका अच्छा टी बनता है। आ गई हूँ मैं सबसे ऊपर वाले छत में। यहाँ से देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, वो देखिए मेरा भाई। तो यहाँ मम्मी पुदीने के पत्तों को चटनी में बनाने के लिए अलग से साफ कर रही है। उसमें थोड़ा मिर्ची, लहसुन और थोड़ा नींबू का रस मिला के ग्राइंड कर रही है ताकि ये अच्छा टेस्टी चटनी बने। अब इस चटनी को हम लोग कबाब के साथ खाएंगे। अभी मैं यहाँ पर कंट्री चिकन बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। फिर उसके बाद थोड़ा प्याज भून के उसमें लहसुन डाल के सारे मसाले ऐड करके हल्दी, मिर्ची, ज़ीरा सब कुछ डाल के एक अच्छा से इसको भून के मसाला तैयार किया है। उसके बाद चिकन को डाल दिया है जो कि मैंने पहले ही बॉईल करके रखा था। फिर उसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करके फिर आलू भी डाल दिया उसमें। अभी पकने के लिए थोड़े पानी डाल दी, अभी इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए उबालने के लिए रख दिया है। उसके बाद हमारा चिकन करी हो जाएगा। यहाँ मम्मी गलौटी कबाब के लिए सारे सामान प्रिपेयर करके रखी है। ये देखिए, इसको एक डोम में बना के फिर इसका छोटे छोटे बॉल्स बना लिया, आप किसी भी शेप में डाल सकते हो। यहाँ पर फिर मम्मी एक से ब्रश कर रही है सारे कबाबों को, फिर इसको डीप फ्राई कर लिए एक नॉन स्टिक पैन में। डीप फ्राई नहीं, ऐसे शैलो फ्राई भी बोल सकते हो इसे। फिर ये हो गया, अभी हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। ये सारे सामान मम्मी टेबल में सर्व कर रही है और ये देखिए मुझे निकाल निकाल के भी दे रही है अभी। तो मैं अभी खा लूँगी खाना। और ये मेरे घर के टेरेस गार्डन के पुदीने की चटनी। तो यहाँ मैंने खाना शुरू कर दिया है, खाना बहुत टेस्टी बना था। तो यही था हमारा संडे स्पेशल, बहुत अच्छा था, आपको भी अच्छा लगा हो। तो मेरा लंच हो गया है और मैंने सब कुछ खा लिया है। और मुझे माफ़ कीजिए बैकग्राउंड म्यूज़िक, इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसे मैं रोक नहीं सकती। तो आई होप कि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं और आज जो मैंने बनाया वो भी आपको पसंद आया होगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और कैसे कैसे कौन से टाइप के रेसिपी वीडियोस चाहिए, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको वैसे ही वीडियोस देने का। तो तब तक के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और टेक केयर एंड बाय बाय।